मैंने कोविशील्ड ली थी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था आज ही। तो सो फ्रेंड्स, आज ही सुबह मैंने कोविशील्ड की फर्स्ट डोज ली थी वैक्सीन की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के, आज ही नहीं कल परसों भी, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी इसके। तो फ्रेंड्स, अब बारी है चेक करने की कि ऑक्सीमीटर रीडिंग में क्या रीडिंग है मेरी आफ्टर कोविड वैक्सीन। तो मैंने कोविशील्ड ली थी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था आज ही। तो चलिए देखते हैं कि अब मेरी रीडिंग क्या है ऑक्सीमीटर पर, और अभी कितना मेरा ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल जिसे बोलते हैं, वो क्या दिखा रहा है, क्या हार्ट बीट दिखा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑक्सीमीटर। तो चलिए आइए इसको निकालते हैं और देखते हैं कि आफ्टर वैक्सीन, मैंने जो आज कोविशील्ड ली थी आप लोगों के सामने, क्या आता है ऑक्सीजन लेवल। तो आइए चलिए नापा जाए अपना SpO2 लेवल, हार्ट बीट कि क्या है आफ्टर कोविड जैब, कोविशील्ड जैब फर्स्ट डोज। तो मैंने यहाँ रख दिया है, आप नहीं देख सकते हैं, फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर है ये। तो फिंगर टिप रख दिया इसके अंदर और ये देखें ये क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है हार्ट बीट 97। वाह, दोनों परफेक्ट दिख रही है यहाँ पे। तो 98 SpO2 लेवल, यानी ऑक्सीजन लेवल जो है SpO2 लेवल 98 है, और हार्ट बीट 96 चल रही है, 96 97 98 98 हो गई अब दोनों। वाह क्या बात है। तो ये है आफ्टर कोविड फर्स्ट जैब कोविशील्ड, पहली डोज के बाद। तो ये चल रहा है अभी, हार्ट बीट थोड़ी फास्ट लग रही है मेरी, ये मेरी जनरली कंट्रोल में रहती है, 70 72 78 80 इतनी नहीं होती। तो वो थोड़ी हार्ट बीट मेरे को फास्ट लग रही है, बाकी SpO2 लेवल 98 99 ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता।